वाला है और 4y भी मानों में वाला है। तो कैसे हम ज़रूर देते थे, हम पहले कोफिशिएंट उसको आपस में मल्टीप्लाई करते थे और फिर वेरिएबल उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा 3 4 12 एक्स इंटू वाई इज एक्स वाई। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ए मोनोमियल विद अ बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल वी हैव टू मल्टीप्लाई 3x एंड 2x प्लस 3। 3x इज अ मोनोमियल, 2x प्लस 3 इज अ बाइनोमियल। दिस इज मोनोमियल एंड दिस इज बाइनोमियल। कैसे ज़र्ब देंगे हम, पहले हम 3x से ज़र्ब देंगे 2x को, 3x इंटू 2x प्लस 3। तो कैसे करेंगे, पहले इन दो कोएफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 इंटू 2x प्लस 3x इंटू 3, 3x इंटू 2x प्लस 3x इंटू 3। पहले 3x से ज़र्ब देंगे फर्स्ट टर्म जो है 2x, फिर 3x से ज़र्ब देंगे सेकंड टर्म को जो 3 है। तो कैसे करेंगे, फिर कोएफिशिएंट उसको आपस में ज़र्ब देंगे 3 इंटू 2 और फिर वेरिएबल उसको आपस में ज़र्ब देंगे x इंटू x, फिर इन दो को आपस में ज़र्ब देंगे 3 इंटू 3 और x वेरिएबल है। तो क्या बनेगा, 3 2s are 6 एक्स इंटू एक्स, इस x का पावर 1 है, इस x का पावर 1 है, दैट इज बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 + 1 प्लस 3 3s are 9x। तो क्या बनेगा 6, x रेज पावर 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 9x। तो हमारा आंसर बनेगा 6x स्क्वायर प्लस 9x। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे ये मोनोमियल उसको ज़रूर देना है बाइनोमियल के साथ। एक्सरसाइज 9.3 है, एक्सरसाइज 9.3 पर हम जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट है 4p कामा क्यू प्लस आर, 4p कामा 4q प्लस आर। तो उसका मतलब है 4p से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू प्लस आर को, 4p इंटू क्यू प्लस आर। पहले 4p से इस पहली वाली टर्म क्यू को ज़रब देंगे, 4p इंटू क्यू प्लस, बाद में यहाँ पर देखेंगे साइन क्या है, साइन है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, 4p से फिर ज़रब देंगे हम आर को। तो जब हम ज़रब देंगे ये बनेगा 4 1s are 4, क्योंकि क्यू का कोएफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता है, जिस वेरिएबल के साथ उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो बनेगा 4 1s are 4 pq प्लस, इसका भी कोएफिशिएंट लिखा नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, 4 1s are 4 p इंटू आर इज दैट इज पी आर। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट, ए बी कामा ए माइनस बी, ये है मोनोमियल ये है बाइनोमियल। तो कैसे करेंगे हम, ए बी से ज़र्ब देना है ए माइनस बी को, ए बी इंटू ए माइनस बी, ए बी से ज़र्ब देंगे पहले वाली टर्म जो है ए है, फिर देखेंगे बीच में कौन सी साइन है, बीच में साइन है माइनस, तो माइनस लिखेंगे ए बी, फिर दूसरी टर्म जो है बी के साथ उसको ज़र्ब देंगे। यानी ए बी से इस मोनोमियल से ज़र्ब देना है दोनों, जितने भी टर्म्स हैं इसमें दो टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल है, पहली टर्म है ए, ए बी से ज़र्ब को देंगे ए को, फिर ए बी से ज़र्ब देंगे माइनस बी को। तो जब हम ज़र्ब देंगे तो देख यहाँ पर ए और ये भी ए, ए ज़र्ब ए, इस ए का पावर 1 है, इस ए का पावर 1 है, 1 + 1 ए रेज पावर 1 + 1 इंटू बी, तो माइनस ए बी इंटू बी, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो बी रेज टू पावर 1 + 1। तो ये बनेगा ए रेज टू पावर 1 + 1 इज 2 ए स्क्वायर, बी माइनस ए, बी रेज टू पावर 1 + 1 बनेगा बी रेज टू पावर 2। तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरे पार्ट्स भी हैं उसके, फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 3 है, ए प्लस बी, ए प्लस बी कामा 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहले उसने बाइनोमियल लिखी है, फिर उसने मानोमियल लाई है। हम मानोमियल को पहले लेंगे सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से जर्ब देंगे हम ए प्लस बी को। तो सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पहले जर्ब देंगे मानोमियल जो है ए इंटू ए, फिर सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से जर्ब देंगे दूसरी टर्म जो है वो बी है, बी को जर्ब देंगे। आप देखिए इसका कोएफिशिएंट जो है सेवन है, इसका कोएफिशिएंट ए का कोएफिशिएंट वन है, दैट इज सेवन वन सार सेवन ए, इसका पावर टू है, इसका पावर वन है, पावर बनेगा टू प्लस वन बी स्क्वायर। ऐसे ही सेवन वन सार सेवन बी का कोएफिशिएंट वन है, सेवन वन सार सेवन ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी रेज पावर वन है, तो बेस सार सेम पावर सार एडिंग टू प्लस वन, तो क्या बनेगा सेवन ए रेज टू पावर थ्री बी स्क्वायर प्लस सेवन ए स्क्वायर बी रेज टू पावर थ्री। ऐसे ही पार्ट नंबर फोर्थ है ए स्क्वायर माइनस नाइन और मानोमियल है फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बाइनोमियल है और फोर ए जो है ये मानोमियल है। मानोमियल से जर्ब देंगे तो ऐसे लिखेंगे, पहले हम मानोमियल को लाएंगे फोर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस नाइन। तो पहले फोर ए से जर्ब देंगे हम ए स्क्वायर को, फोर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस, फिर बीच में देखना है साइन क्या है, प्लस होगी तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगी तो माइनस लिखेंगे। तो यहां पर साइन साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे फोर ए इंटू नाइन। तो देखिए इसका कोएफिशिएंट फोर है, इसका कोएफिशिएंट वन है, तो फोर वन सार फोर पहले कोएफिशिएंट उसको जर्ब देना है। जैसे हमने मानोमियल में देखा है कि पहले हम कोएफिशिएंट उसको जर्ब देते हैं फिर वेरिएबल उसको जर्ब देते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट फोर है, इसका कोएफिशिएंट वन है, फोर वन सार फोर ए रेज टू पावर इस ए का पावर वन है तो लिखेंगे वन, इस ए का पावर टू है वन प्लस टू माइनस, यहां पर भी देखेंगे नाइन, फोर ए इंटू नाइन, तो जर्ब देंगे कोएफिशिएंट इसको फोर इंटू नाइन बनेगा फोर नाइन इज आर थर्टी सिक्स इंटू ए। तो आंसर क्या आएगा फोर ए रेज टू पावर टू प्लस वन इज थ्री, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड माइनस थर्टी सिक्स ए। पार्ट नंबर फिफ्थ।